आज नंदा गणपति संग्रहालय में कलकत्ता से गार्गी सेन आई है, उससे बातचीत करने वाली है हमारी दीपाली ताई नंद। नमस्ते, आपने हमारे संग्रहालय को ये गणपति की मूर्ति दी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन मेरे को एक प्रश्न है कि आपने ये मूर्ति किस लिए ली थी, कब ली थी? ये लगभग 12-13 साल पहले हमने कलकत्ता में हमारा जो मूर्ति रेडी करता है उनको हमने सब फीचर्स बता दिया था, वो मूर्ति बनाने के लिए दिए थे, वो लोग जयपुर से ये मूर्ति तैयार करके हमको भेजे थे। तो आपको क्या ऐसी मूर्ति की? नहीं, मैं गणपति जी की भक्त हूँ। अच्छा, छोटे से। अच्छा, जब से मैं 14-15 साल का था उस वक्त से। अच्छा, हम गणेश जी को मानते थे। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों का घर में जब शिफ्ट हुआ, नया घर बना, तब हमने सोचा कि एक गणेश जी का मूर्ति हम सेंटर में रखेंगे। अच्छा, तो उसके बाद उस टाइम पे हमने देखना शुरू किया कौन कौन से कैसे मूर्ति एक सेंटर पीस में होना चाहिए। ऐसे करके फीचर्स हमने दिया तो उन्होंने जयपुर से तैयार करके हमें भेज दिया। तो वो हमने गणेश जी को घर में रखा, 12-14 साल हमारे पास तो थे। आपको यहाँ का पता कैसे चला? हाँ, उसके बाद मैं ओनली चाइल्ड हूँ, सिंगल डॉटर हूँ। हाँ। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बात क्या होगा। अच्छा। हमारा जो कलेक्शन है, हाँ, फिर भी क्योंकि हम लोग घूमते बहुत है। अच्छा। हम लोग एक जगह पे होगा कि दूसरे जगह पे कोई हम चला जाएंगे। अच्छा। या वो ये सोच के हमने सोचा कि इनको हम रहे ना रहे पर इनको अच्छे से देखभाल होना चाहिए इनका, इसीलिए हमने नेट पे थोड़ा सर्च किया। हाँ। तो हमें ये गणेश म्यूजियम का चिकलधरा का पता चला, फिर नंद जी का पता चला, देशमुख जी का पता चला। तो उसके बाद हमने देशमुख जी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि हम आपका कलेक्शन के साथ हमारा कलेक्शन जोड़ना चाहते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला ज़रूर। तो हमने उस टाइम कॉन्टैक्ट किया तो उस हिसाब से ये तो मेरे को, मुझे तो यही लगता है कि कुछ पिछले जन्म का आपका बाकी रह गया था हमको देना और हमको आपका, इसीलिए उसी वगैरह बहाने से हम लोग मिले। बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति है और हमारे संग्रहालय में 4 चांद लगाए उसने। धन्यवाद आपका बहुत। ये सब कुछ गणेश जी की इच्छा से हुई है बस। आपने ये मूर्ति हमारे संग्रहालय में दी और आज आप देखने के लिए आए, तो क्या आप सेटिस्फाइड है कि आपकी मूर्ति सही हाथों में है? मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा। वो गणेश जी की प्रेरणा से ही हमें आपके पता चला और हम यहाँ आने से हमें लगा हाँ ठीक हाथ में ठीक जगह पे ये रखा है और ये आगे भी ऐसे ही इसका आप देखभाल करेंगे, ठीक से रहेंगे। हम यहाँ आके बहुत सारा और भी बहुत सुंदर बहुत अलग तरीके का कलेक्शन देखे, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज यूपी से संत जी आए हैं तो उनसे भी मिला, वो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहा उनसे मिल पाए। और हम तो ज़रूर दूसरों को बोलेंगे आप आइए चिकलधरा में, ये गणेश म्यूजियम है, ये प्रचार होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में गणेश जी की अलग तरीके से ओनली गणेश जी के म्यूजियम ऐसे है, हर किसी को अभी भी पता नहीं है, ये पता होना चाहिए। या आप भी जरूर दूसरे को बताइए, ज़रूर आइए ये कलेक्शन देखने को। और भी किसी का कलेक्शन यहाँ पे देना चाहे तो भी ये लोग जरूर स्वागत करेंगे, क्योंकि कलेक्शन खुद का कलेक्शन तो खुद के लिमिटेड रहता है। अगर ये एक सामाजिक तरीके से अगर कोई संग्रहालय में रहेंगे तो ये बहुत किसी के बहुत आदमी देख पाएंगे और एनकरेज पाएंगे। ये भी एक अब आपने देख लिया, आपने भेज दिया तो हमको विश्वास है कि आप और लोगों को भी बताएंगे तो जरूर सब लोग आएंगे। आपका धन्यवाद जरूर। गणेश जी की इच्छा से आगे भी आप लोगों का बहुत शुभकामना है।